मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे। ब्लाउज मैंने कट कर लिया है, ये अस्तर वाला ब्लाउज है, ये ब्लाउज है, ये इसका अस्तर है। और देखिए मैं इसमें पैच देने वाली हूँ, तो मैंने ये ब्लू कलर लिया है। ये साड़ी का कपड़ा है तो मैंने साड़ी में से कट कर लिया है कुछ पार्ट। और सबसे पहले आपको साइज और नेक डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई मैंने 15 इंच ली है, आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। ये 36 साइज का ब्लाउज है, 11 इंच लिया है, तैयार में ये 9 इंच आएगा, तो 2 इंच का जो मार्जिन कर लेते हैं। इसके मुड्डे 5.5 इंच, इसका शोल्डर भी 5.5 इंच लिया है। अभी नेक ड्रॉ करते हैं, तो देखिए शोल्डर से 2.5 इंच ले लें। मैं इसमें डोरी लगाऊंगी इसीलिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, अगर विदाउट डोरी बना रहे हैं तो 2 इंच ले लें। देखिए हम नीचे तक इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और अभी हम जितना डीप रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से मार्किंग कर लेते हैं। जैसे कि मैं 11 इंच ले रही हूँ, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना देती हूँ 11 इंच। शोल्डर से सेम रहेगा, नीचे से हल्का सा ब्रॉड आएगा, देखिए थोड़ा सा हमारा नीचे की तरफ उतर के आया है क्योंकि ये जो शेप दिया है इसमें। और अभी हम मार्किंग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो हम पैच लगाने वाले हैं उसके लिए है 1.5 इंच ले लेते हैं, तो पूरे राउंड में 1.5 इंच हमें मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से फिर हमारा ये नीचे की तरफ भी इसी तरह से आएगा, तो यहाँ पे 1.5 इंच इस साइड में ले लेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसके शेप कुछ इस तरीके से आएगी। तो देखिए ये हमारा नीचे का अंदर वाला पार्ट है, जो नेक रहेगा ये यहाँ पे पैच लगेगा। और इसमें कुछ डिजाइन देने वाले हूँ उसके बारे में बताऊँगी, तो पहले मैं इसी ड्राफ्ट वाइज को कट कर लूँगी। अंदर वाला जो नेक है इसको कट कर लेते हैं, ये इस तरीके का ड्राफ्ट आएगा। अभी जो ये पार्ट है इसको भी सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ब्लाउज को भी इसी तरह से रख लिया है, ब्लाउज के साथ ही इस ड्राफ्ट को कट कर लेते हैं। ये हमारा कट हो चुका है। जो ये ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को रख के हम ब्लू कलर का पैच तैयार करेंगे, तो सेम ड्राफ्ट रख के कैनवास कट कर लेते हैं पहले, फिर कपड़े के बारे में बताऊँ। और उसके बाद जो हम इसको स्टिच करने वाले हैं इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए इस पार्ट को हम उल्टा रख लेंगे जो हमारा ब्लाउज है, और उल्टे पे ये अस्तर रख ले इस तरीके से, और इसको हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे दोनों पार्टों को। जब ये स्टिच हो जाएंगे और उसके बाद हम इसमें डिजाइन भी देने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने ये पीस कट कर लिया। तो इसका साइज बता देती हूँ, ये साइज मैंने 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई ली है, चौकोर पीस है। इस पीस को हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे क्रॉस में और फिर फोल्ड कर देंगे, तो ये ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं बहुत सारे ट्रायंगल तैयार कर लूँगी और जो ये ब्लाउज है फिर इसमें अटैच करेंगे। और अभी कैनवास के बारे में बताती हूँ। तो देखिए जो हमारा ये अस्तर का ड्राफ्ट है इसको मैंने सेम इसी तरह से कैनवास पर तैयार कर लिया है। जो इसका ड्राफ्ट है हम सेम ड्राफ्ट पर इसको कट कर लेंगे, अंदर का पार्ट भी बाहर का भी सेम इतना ही चौड़ा रखेंगे जितना चौड़ा हमारा ये ड्राफ्ट है। तो इस तरीके से सेट कर लिया है, कट करते हैं। देखिए ये पीस मैंने कट कर लिया है कैनवास का, और मैंने जैसे ब्लू कपड़ा लिया है तो जो यहाँ पे ये जॉइंट है यहाँ पर भी इसको कट कर देते हैं। तो देखिए ये कट हो चुका है, और अभी हम इस पीस को जैसे कि इसमें शाइनिंग रहती है उस साइड को हम इस तरीके से कपड़े पर रख लेंगे और इसको आयरन कर देंगे। इससे क्या होगा ये पूरा चिपक जाएगा, और जो अंदर का नेक है इसको फिर हम कट कर देंगे, बाहर का आपको कुछ नहीं करना है। तो दोनों पीस मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी, और जो अंदर का पार्ट है इसमें हम पाइपिंग लगाने वाले हैं, तो उसकी कटिंग के बारे में बताते हैं। तो देखिए जो हमारा ये नेक का ड्राफ्ट है, और सेम कपड़ा और ले लेंगे एक साइड के लिए, तो जो हमारा ये कैनवास है इसी की तरह हम इसको कट कर लेंगे सेम, इससे थोड़ा सा 1/2 इंच 1.5 इंच के आसपास एक्स्ट्रा। तो देखिए कट कर लिया, इसी तरह एक और पीस कट कर लूँगा। तो मैंने दोनों पीस कट कर लिए हैं, और अभी पैच को कैसे तैयार करना है वो बताती हूँ। नीचे देखिए मैंने ब्लू कलर का रख लिया है जो कि पैच है, उसके बाद मैंने ये जो ब्लाउज का कलर है ये रख लिया है, और इसके बाद जो हमने ये
कैनवास कट गई है इसको रख लिया है। तो देखिए इस तरीके से ये तीनों पीस हमारे सेट हो गए। तो जो हम नीचे कमर में जो हमारा पार्ट आ रहा है यहाँ से लेके पूरा नेक तक हम इसको स्टिच कर देंगे। जो ब्लू कलर का पार्ट है इसको कट कर देंगे और पलट के फिर इस कलर की पाइपिंग देंगे जिस कलर का ब्लाउज है, और ब्लू कलर का हमारा इसमें पैच आएगा। इसी तरह दोनों साइड के पीस तैयार कर लूँ। मैंने नीचे सीधा ब्लाउज रख लिया है, इसके ऊपर अस्तर रख लिया है और जो शोल्डर से लेके पूरा नीचे तक मैंने स्टिच कर दिया है। अभी इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद अभी इसको चारों तरफ से सिलाई डाल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने नेक से लेके पूरा स्टिच कर दिया है। ये देखिए प्लेट भी डाल दी। इसी तरह मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लूँगी। तो देखिए जो ट्रायंगल के लिए मैंने कपड़ा लिया था इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हूँ और यहाँ पर भी, और यहाँ सिलाई डाल के इसको तैयार कर लेते हैं। इसी तरह मैंने सभी ट्रायंगल तैयार कर लिए हैं। अभी अटैच करते हैं। तो देखिए जिधर से हाथ सीधा पड़े और ये चीज़ ध्यान रखें जिधर ये खुला है एक साइड में जानी चाहिए, जैसे कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से स्टार्ट करती हूँ। देखिए इस तरीके से इसको दबाते हुए एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर स्टार्ट कर। देखिए मैंने दोनों साइड के पीस तैयार कर लिए हैं। अभी इन दोनों को साइड में रख देते हैं। कटिंग किया था जैसे मैंने बताया था, नीचे मैंने ब्लू रख लिया है, ऊपर ये ब्लाउज का कलर रख लिया है और उससे नीचे कैनवास रख लिया है। अभी यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक स्टिच कर दिया है और अभी इसको पलट के, जैसे कि ब्लू कलर हमको ऊपर चाहिए तो ये हमारा ब्लाउज का जो कलर है इसकी हम इस तरीके से पाइपिंग देते हुए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पैच तैयार हो चुका है और अभी हम यहाँ पे पैच को इस तरह से तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो डिजाइन है ये पाइपिंग से थोड़ी सी नीचे की तरफ रहनी चाहिए, पाइपिंग भी दिखनी चाहिए, ये डिजाइन भी दिखनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको सेट कर लेते हैं पिन से पहले। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इसको सिलाई डालकर भी सेट कर सकते हैं, बड़ा सिलाई हाथ। तो देखिए इसी तरह मैंने दोनों साइड में तैयार कर लिया है पैच। अभी जैसे कि इसकी ओपनिंग हमने फ्रंट में रखी है तो यहाँ पे ये डबल पाइपिंग आ रही है दोनों साइड की, और बीच में ब्लू कलर का कपड़ा लगा के यहाँ पे स्टिच कर देते हैं। ब्लू लिया है और अस्तर लिया है तो पहले यहाँ पे मैं स्टिचिंग डाल देती हूँ। इसको इस तरीके से पलट देते और इस पैच को अभी हम यहाँ पर स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ट्रायंगल जो यहाँ पे यूज़ किए हैं सेम वही ट्रायंगल है, एक ब्लू कलर का बना लिया है। तो ब्लू कलर वाले को बीच में रख लेंगे और एक नीचे रखेंगे। तो देखिए तीनों ट्रायंगलों को इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे सिलाई डाल लें और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर देंगे। देखिए ट्रायंगल मैंने स्टिच कर दिए हैं और देखिए ये मैंने तीन बटन लिए थे, तीनों बटन यहाँ तक स्टिच कर दिए। नीचे हमारी लेस आएगी और ये साइड है, इन दोनों साइडों में मैंने ब्लू कलर की लेस ली है जो कि इस तरीके से स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ शोल्डर से लेके यहाँ तक लेंगे सेम इस साइड में और एक लाइन नीचे। मैंने लेस दोनों साइडों में स्टिच कर दी, कमर में भी कर दी और मैंने देखी जो हमारा ट्रायंगल है उसी कलर का धागा लिया है फोर फोल्डिंग, और देखिए कुछ छोटे मोती लिए हैं जो कि हमारी ये ट्रायंगल है सभी में एक एक मोती स्टिच कर देंगे। तो शोल्डर से स्टार्ट करते हैं देते हैं, जो कि शोल्डर पर स्टिचिंग होगा आगे के पार्ट में, जो दूसरा वाला है यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको दो तीन बार अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे ये निकलेगा नहीं मोती। देखिए ये मोती मैंने सभी ट्रायंगल में स्टिच कर दिए हैं और देखिए एक मोती मैंने बड़ा यहाँ पे स्टिच कर दिया जो ट्रायंगल था, और यहाँ पे देखिए बटन आ रहे हैं, ये लेस भी आ रही है, तो काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।